ये बैल अब बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं है। बताइए अब इनका क्या करें? सालों से ये हमारे परिवार का साथ दे रहे हैं, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो कोई काम के नहीं है, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। वो रह सकते हैं तो ये बैल क्यों नहीं? भाई साहब, ये हमें खरी खोटी सुना गया। आदत पड़ गई है, क्या तुम उसकी बात मानकर चले जाओगे? मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। दशहरे का त्योहार नजदीक आ रहा है। अरे वाह, कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ आराम करता हूँ। ओए, यहाँ क्यों आया, निकल। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बाद में मैं भी तो आप ही की तरह यहाँ रहने वाला हूँ। चलो मिल बांट कर खाते हैं। यही रहोगे? क्यों नहीं भैया, मैंने आप ही से तो सीखा है, घर जमाई बनूंगा। अब क्या करें? अगर ये आया तो ये स्टार दामाद बनेगा और हम एक्स्ट्रा। कोई रास्ता निकालो ना, इसको फंसाते हैं। पर कैसे? समय बताऊंगा। सुनो दामाद जी, यहाँ हम ही हैं जो आपको समझते हैं, हमारी खूब पटेगी, हमारे साथ रहना। मानो लाख मना करने के बाद भी ये यही भी बैठ गया। जब ये पूंछ हिलाता तुम्हारे बीच जा बैठा तभी मैं समझ गया था, संभल कर रहना। ठीक है, समझ गया। बेटा कृष, इसकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। ओए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं दादाजी, ये बहुत छोटी मोटी बात है, याद रखिए, काम पूरा करके ही जाऊंगा। बैंड बजा दे। अरे बाप रे, पापा का फोन। बेटा अभी कहाँ तुम? साउथ अफ्रीका में हूँ पापा। सुन क्रिश, वहाँ का नेशनल सफारी और जू देखना ना भूलना, अलग अलग तरह के जानवर है वहाँ जिन्हें तुमने एक साथ कभी नहीं देखा होगा। मुझे भी देना यार। पापा आप सही कह रहे हैं, मैंने इतने सारे जानवर पहली बार देखे हैं, रिश्तेदार, आई मीन चिंपांजी। चिंपांजी, आई एम मिसिंग यू मैन। मिस यू टू पापा, बाय। मेरे पापा इस गलत फहमी में है कि मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ और तुमने मुझे गांव का टूर भी नहीं कराया। सॉरी, बस 5 मिनट, अभी ले चलती हूँ। जहाँ तक नजर जाती है पूरी जगह हमारी है। अगर मैं यहाँ तुमसे शादी करने और तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने आया होता तो सिर्फ तुम्हारे बाप को नहीं, किसी के भी बाप को बुरा लगता। क्रिश, तार का रस पियोगे? अब मुझे पता चला तुम्हें किट्टू इतना प्यारा क्यों है। बताओ क्यों? तुमने देखा नहीं, जब उसे डर लगता है वो खोल में अपना सिर छुपा लेता है और वो तब खुश होता है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, तुम्हारी तरह। अबे ओए, जितना घूमना है घूम ले कमीने, तू अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्यों भाई, शादी करके विदा कर दोगे क्या? बुड्ढा बीच में आ गया इसलिए बच गया, वरना तेरी माँ भी नेक कर देता। साला सुधरेगा नहीं, यहाँ लड़की है गाली नहीं देते। एक बात बताऊं तुझे, मर्द वही होता है जो जब चाहे कुछ भी कर दे, अगर मैं चाहूं ना तो बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भूमि, चल। ये शहर नहीं है जो कुंवारी लड़की को लेकर घूम रहे हो, गांव है। तुम्हें थोड़ी सी भी हमारी बदनामी की फिक्र नहीं है? मुझे तो यहाँ इस गांव में आप ही ने बुलाया है, तो बदनामी की बात पहले सोचनी चाहिए थी। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि गांव में अकेली लड़की को नहीं घुमाया करते? अब मैं इसे क्या कहूं, माँ बाप की परवरिश की सारी गलती है। क्यों ने चिट्टी? हाँ भैया। तूने बताया नहीं? क्या? अरे वही, तुम दोनों प्यार करते हो, जाकर घूमो फिरो, खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़कर गाने गाओ, मामा को तो मैं संभाल लूंगा, तुमने ये नहीं कहा था? ओह, अच्छा मैंने ऐसा कहा था? क्या रे, ऐसा बोला था? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब ये कह रहा है तो हो सकता है कि मैंने कहा होगा। Oh,
क्या सोचा था? मेरा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भेज देगा? सोचना क्या था, बांध कर रेडी रखा था। एक गलती क्या हो गई, जिंदगी भर की सजा मिल गई तेरी माँ की कसम। अब तुम्हें किसका फोन आ गया? मेरी असली गर्लफ्रेंड है, बात नहीं की तो नाराज होगी। उसके पास दो अपने पास तो काम वाली की बांध दे। क्यों हीरो, सेट हो गए? भूमि को सेट कर लूं? तुम्हारी तो मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तुम भूमि की फ्रेंड बनके यहाँ क्यों नहीं आ जाती? बहुत मजा आएगा। सिर्फ 10 दिन और रुक जाओ, एग्जाम्स के बाद मैं अपने घर में हमारे बारे में बता दूंगी। उसके बाद तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कल फोन करता हूँ। क्रिश, आई मिस यू। मिस यू टू। बाय बाय। जल्दी कर। कल सुबह जल्दी आना, खेतों में खाद छिड़कना है। जी साहब। ए सुनो, बसवराज के यहाँ शादी है, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, वहाँ फ्री का खाना मिलेगा, चले जाना और पेट भर के ठूस लेना। बड़ा बदतमीज आदमी है, ऐसे किससे बात कर रहा था? और किससे, हमसे ही। क्या कह रहे हैं फूफा जी, आप इसके बहन के पति हैं, अपने जीजा से कोई ऐसी बदतमीजी कैसे करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, ये तो नाइंसाफी है। अरे, क्या करता है वो, हमें तुम्हारे साथ बाहर फेंक देंगे, खाना भी नहीं देंगे। अरे ये क्या बात हुई, माना कि हम कुत्तों जैसे हैं, खा खा के मोटे हो गए, इसलिए क्या वो हमें दुत्कारेगा? बात तो सही है। और वैसे भी, अरे क्या कर रहा है, देख नहीं रहा हम दामाद बातें कर रहे हैं, पानी फेंक रहा है, बाद में कर। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कहीं और जाके कपड़े लड़ाओ। देखा आप दोनों ने, काम करने वाला भी रौब जमाता है। हमारी तरह चिकना घड़ा नहीं है ना, इस पर असर नहीं होता, इसमें बहुत घमंड है। इसे निकाल देते हैं पर फिर भी ये हमारे आगे दुम नहीं लाएगा, क्योंकि ये मेहनत से डरता नहीं है, बाहर जाकर दो पैसे कमा लेगा, कौन सी बड़ी बात है। डैडी आ जाइए, भूख लगी होगी ना, आइए। आप ही का बेटा है, आप लोगों की हरकतें देख देख कर आप जैसा ही बन गया है काम चोर। इसे भी अपने जैसा एक घर दिलवा दीजिए, आप ही की तरह रह लेगा कीड़े जैसा। हाँ भैया, इतने साल बीत गए, बाकी भी आराम से कट ही जाएंगे, काम क्यों किया जाए? वैसे भी हम करते क्या हैं? अगर मर भी जाएंगे तो धरती का बोझ कम हो जाएगा, लोग बिना एक भी आंसू बहाए हमें उठाकर फेंक आएंगे, पर बुरा क्यों मानना, हम तो वहां होंगे ही नहीं। क्यों, जिंदगी तो ऐसे ही बीतनी चाहिए। और देखो, जब तक ये जगह सलामत है, हमारे खाने पीने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, कि बाद में लोग ये ना कहे कि आपकी जिंदगी कीड़ों जैसी बीत गई, बल्कि आपको अपने अच्छे कामों के लिए याद करें, ऐसी जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है। अपनी जिंदगी को एक मकसद दीजिए। यहाँ ट्रैक्टर था, वो कहाँ गया? वो दोनों ले गए। वो कौन? वो जो निकम्मे थे, सुबह ट्रैक्टर लेके खेत में निकल गए। वो दोनों खेत पर गए हैं? मेरे पति खेत पर गए हैं? क्या कहा, वो दोनों खेत में गए हैं? दोनों निकम्मे काम पे गए हैं? वो दोनों कैसे लौट आए? देखो, तालाब के पास का काम निपटा दिया है, लेकिन लगता नहीं कि खाद पूरी पड़ेगी, मौका मिलते ही और मंगवा लेना। मंगवा लूंगा चीजा जी। वहां मजदूर भी कम थे, आदमी गिनकर ही तनख्वाह देना। अब आज के बाद आप ही सब कुछ संभालिए। खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, पर मेरा दिल हमेशा रोता रहता था। कोई मुझसे पूछे
कि मुझे कैसा लगता था जब मेरे पति को घर जमाई कहा जाता था। क्रिश, मेरी दोनों बुआएं बहुत ज्यादा खुश हैं, और इन खुशियों की वजह तुम हो क्रिश। पर क्यों? तुम्हारे लिए। तुम्हारे इतने बड़े घर में इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी तुमने मदद के लिए एक अजनबी को चुना। तुम्हें पता है हालात अंदर ही अंदर क्या से क्या हो गए हैं। उस वृंदावन के कृष्ण ने सबको अपने साथ मिलाकर रासलीला रची थी, पर यहाँ के लोगों का एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है। अगर आगे तुम्हें किसी की मदद लेनी पड़े तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। इस भरे पूरे घर में तुम्हारे सारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हें खड़ा होना चाहिए तुम्हारे लिए, और मुझे विश्वास है ऐसा होगा। मैं यहाँ आया था एक काम के लिए, कि वो गुंडा तुमसे शादी ना कर पाए। अगर सिर्फ यही बात होती तो मैं ये काम पूरा करके चला गया होता अब तक। पर तुम चाहती थी कि तुम्हारे पापा को इससे दुख ना पहुंचे, वो ये शादी रोक दे। तुमने जैसा चाहा है वैसा ही होगा भूमि। मेरे पापा नहीं बदलेंगे क्रिश, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ये घर उनसे करवाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा क्रिश? अब ये लो, होगा क्यों नहीं, ट्राई तो करूंगा ना। स्माइल करके हिम्मत नहीं दोगी? अच्छा, आपका तो पीने का प्रोग्राम बन रहा है। आओ आओ मेरे बच्चे आओ। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद मजे कर रहे हैं। पियोगे बेटा? कभी कभी पीता हूँ, जब थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ तब। मुझे भी आदत नहीं, लेकिन आजकल रोज ही हो जाती है। ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी तो बेटों ने बांट ली, साथ में मेरा भी बंटवारा कर दिया। उन्होंने बस मेरे टुकड़े नहीं किए, और इसके लिए 6 महीने यहाँ रहता हूँ और 6 महीने वहां रहता हूँ। यहाँ के 6 महीने पूरे हो गए, कल मुझे दूसरे बेटे के यहाँ जाना है। ऐसा क्या हुआ था? क्या बताऊँ, बड़ा बेटा मेरी दूसरी शादी सहन नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा पैदा हुआ। जैसे जैसे समय बीता दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। अपना फायदा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस दूरी को दुश्मनी में बदल दिया। छोटा वाला उधर, बड़ा वाला इधर, मैं बीच में। जब यहाँ पर उधर की और वहां पर इधर की याद आती है तो इसे बुलाने के लिए पी लेता हूँ। छह अपसेट क्यों होते हैं? 6 महीने ही तो हैं, कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लौटने के लिए मैं नहीं जा रहा इस बार। चुप हो जा बेटा। बानो, तुम्हें मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, अगर मैं वहां मर जाऊं तो अपनी इज्जत और दुश्मनी भुलाकर वहां जरूर आना। बड़ा बेटा होने के नाते तुम्हें ही मेरी चिता को अग्नि देनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, तू वहां जा रहा है? आप ही ने तो यहाँ बुलाया है दादाजी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं। पागल है क्या? मेरा बड़ा बेटा यही तो मौका ढूंढ रहा है, अगर उसे भनक भी लगी तो। ए, तू घर जा, वरना तुझे वो घर से निकाल देगा। आप टेंशन बहुत लेते हैं दादाजी, कुछ नहीं होगा। और देखिए, दोनों के बीच बाउंस होने के बजाय आप इन दोनों को मिला क्यों नहीं देते? मेरे जीते जी तो ये सपना पूरा नहीं होगा। जरूर होगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। तुम जो कहोगे वही करूंगा मेरे बच्चे। कैसे हो? पहला को पिताजी। हाँ, जीते रहो। आइए पिताजी। हाँ। बेटा कृष्णा। खुद मौत के मुंह में आ गया तू, काट के फेंक दो इसे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे बड़े भाई का दामाद है। अगर ये दामाद है तो ले जाकर इसकी डबल खातिरदारी का इंतजाम करो। अरे वो तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। रुक जाओ। आपने क्या कहा?
ये तुम्हारे भाई का होने वाला दामाद है, पर वो इसे पसंद ही नहीं करता। अगर वो इसे पसंद नहीं करता तो हम इसे पसंद करेंगे। ए, मेरे साथ चल। बेटी लक्ष्मी। हाँ। मेरे बच्चे, ये छोटी बहू है, ये भी हमारी पार्टी में है। दोनों परिवार को एक करने के लिए ये बेचारी भी कोशिश कर रही है। मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। हीरो, उसे पता है कि तू पिताजी को यहाँ छोड़ने आया है? अब तक तो पता लग ही गया होगा उसको। अगर नहीं लगा है तो तू खुद बता दे कि तू यहाँ आया है। जिसको हमारे संस्कार नहीं मालूम वो मेरा दामाद कैसे बनेगा? वहां जाने के बारे में उसने सोचा कैसे? उसे मालूम नहीं है जो वहां एक बार जाएगा उसके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। ये सच में गुस्सा है या अपने दामाद को भगाने का प्लान है? कृष तो आज गया काम से। ये क्या कर दिया कृष? देखो डैडी कितने नाराज है। मेरी वजह से नाराज है तो अब वो क्या करेंगे? मुझे डांटेंगे? तो चलो क्रिश। देखो भूमि, अगर तुम्हारे पिता किसी को चाहते हैं और वो उस घर में जाता है तभी उन्हें गुस्सा आता है। अगर वो मुझसे नाराज है तो इसका मतलब उनके दिल में मेरे लिए भी प्यार। इसने तो उसे फंसा लिया, अपना बना लिया। अब आगे देखते हैं। आखिर तुम वहां गए क्यों क्रिश? दादाजी की वजह से।